आपकी भी कमर में दर्द हो रहा है और आपको लगता है कि ये बैक का पेन और लंबे अधिक समय तक टिक सकता है या एक लंबे समय से आपकी कमर में दर्द हो रहा है और आप किसी भी प्रकार की दवाई को खा रहे हैं मगर कमर का दर्द ठीक नहीं हो रहा है या फ्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या लोअर बैक में पेन है, तो इन सभी समस्याओं को आप सिर्फ एक ही योग आसन से खत्म कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से अभ्यास करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ लोअर बैक पेन के लिए और फ्लिप डिस्क की प्रॉब्लम के लिए सिर्फ एक आसन ऐसा बताऊंगा जिसको अगर आप करते हैं तो आपको तुरंत ही रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो आएंगे अभ्यास के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। जब भी आप अगर बैक की प्रैक्टिस कर रहे हैं या लोअर बैक पेन में या अपर बैक पेन में बैक की एक्सरसाइज करनी है, जब आपको कमर की एक्सरसाइज करनी है, तो आपको सबसे पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है, जिसको आप भुजंग आसन या पर्वत आसन को करके भी आराम से वार्म अप कर सकते हैं। तो 10 भुजंग और 10 पर्वत जब आप कर लेते हैं तब आप इस आसन का प्रयोग करें या इस आसन को लगाएं। अब इस आसन को कैसे लगाना है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले दोनों घुटनों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप देके बैठें, दोनों फीट के बीच में शोल्डर लेवल का गैप ले लें। जितना आपका कंधे के बीच में चौड़ाई है उतनी चौड़ाई आपको अपने घुटने से दूसरे घुटने के बीच में रखनी है और दूसरे पैर से दूसरे पैर के बीच में रखनी है। अब आपने इस प्रकार घुटने पर खड़ा होना है, सीधे हाथ को सीधे पैर के ऊपर मतलब एड़ी के ऊपर रखें और बाएं हाथ को बाएं पैर के ऊपर इस प्रकार रखें और अपने पेट को आगे की ओर हल्का सा पेट को आगे धक्का दिया और बाएं हाथ को भी बाएं पैर के ऊपर रखते हुए आपने अपनी बैली को पेट को आगे धक्का देना है और सिर को नीचे ढीला छोड़ना है। इस प्रकार होल्ड रखें 10 सेकेंड 20 सेकेंड और फिर जस्ट धीरे से वापस आए। और यहाँ से आप डायरेक्ट शशांकासन में भी जा सकते हैं, इस प्रकार लेट जाए शशांकासन में, या आप बैक को हल्का सा इस प्रकार ट्विस्ट कर सकते हैं दोनों साइड श्वास को छोड़ते हुए। तो सिर्फ इतने ही अभ्यास से आप अपने बैक के पेन को ठीक कर सकते हैं।